नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। समझदारी और पढ़ाई लिखाई किसको कहते हैं? समझदारी और पढ़ाई लिखाई शब्दावलियों से हमारा क्या अभिप्राय होता है? कुछ लोगों का ये सवाल था कि सर पढ़ाई लिखाई तो करते हैं परंतु समझ नहीं आता है, समझ तो आ जाता है पर हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं इससे। समझदारी एक अलग चीज़ है और पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज़ है। जिस इंसान के दिमाग में पढ़ने लिखने से संबंधित थॉट्स पैदा होते हैं और वो उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है किसी न किसी तरीके से, उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है किसी न किसी तरीके से, या बनाने की, या उस चीज़ की, उस अज्ञात चीज़ के को ज्ञात चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, अज्ञात वस्तु विषय के बारे में ज्ञात शब्दावली इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति या पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल इंसान लोग, क्योंकि इंसान के ही इंसान एक ऐसा जीव है जिसके दिमाग में पढ़ने लिखने से संबंधित शब्दावलियाँ आती हैं, वो उन शब्दों को समझ सकता है। कुछ एक पालतू जीव हैं वो भी आ जाते हैं, जैसे बंदर या कुत्ता या बिल्ली इस टाइप से। बाकी ऐसे जीव जिनके दिमाग में शब्दावलियाँ नहीं आती है, सोच विचार की बातें नहीं आती हैं, पढ़ने लिखने से संबंधित कोई बात नहीं आती है, उसको पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति या पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कहा जाता। आप एक भैंस के सामने किताब खोल के रख दो तो उसे पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कहेंगे हम। पढ़ा लिखा व्यक्ति वो इंसान होता है या वो जीव होता है जिसके दिमाग में पढ़ने लिखने से संबंधित बातें आती हैं। ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बात। अब बात आती है समझदारी की। दुनिया के सभी जीव समझदार ही होते हैं, चाहे उसमें पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा न हो। समझदारी का अर्थ होता है किसी चीज को समझना, और उसके लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। आप इस छत से नीचे गिरोगे तो आपको चोट लग जाएगी, या आप बिना पढ़ाई लिखाई के भी जान जाते हो एक आध बार कूद के या चोट खा करके देख करके। जब आप बचपन में पैदा होते हो, सीखते हो सारी चीज़ें, तो सीखते समय आप कई बार गिर जाते हो तो आपको महसूस हो जाता है कि यार मैं गिरूंगा तो चोट लग जाएगी। तो इसको कहते हैं समझ का विकसित होना, और समझ के लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की आपने इस बात को समझने के लिए, बस आप समझ गए कि गिरूंगा तो चोट लग जाएगी। मगर पढ़ाई लिखाई को समझना और पढ़ा लिखा व्यक्ति कहलाना, अपने अंदर पढ़ा लिखा व्यक्तित्व बनाना, ये एक अलग बात है। इसके लिए अपन स्कूल, कोचिंग कॉलेजेस या ऐसी किसी संस्था में जाते हैं जहां पर अपन को इन शब्दावलियों से जोड़ा जाता है। एक व्यक्ति है, अब एक छोड़िए, दो व्यक्ति है, दोनों पैदा एक साथ हुए, एक ही दिन हुए, एक ही समय पे हुए, मगर उसमें से एक स्कूल जाता है पढ़ने के लिए और एक सीधा काम पे जाता है मजदूरी करने के लिए। इन दोनों व्यक्तियों को हम समझदार व्यक्ति कह सकते हैं कि दोनों ने अपनी अपनी समझ का अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य रूप धारण कर लिया। एक को स्कूल जाके पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई के माध्यम से उन सब चीजों को समझना था, और एक डायरेक्ट ही समझना चाह रहा था, उसको पैसे कमाने थे, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो डायरेक्ट पैसे कमाने चला गया काम पे। तो ये दोनों ही व्यक्ति एक साथ पैदा हुए परंतु एक गया पढ़ाई लिखाई करने और बाकी की चीजों को पढ़ने लिखने के साथ में, उस संदर्भ के साथ में अपने आप को जोड़ा एक व्यक्ति ने, और दूसरा व्यक्ति जो था वो सीधे काम पे चला गया, वो बड़ा हुआ, समझ उसकी पैदा हो चुकी थी, समझदार हो चुका था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, समझने लगा और जाकर के काम धाम शुरू कर दिया उसने। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों में दोनों व्यक्ति समझदार हैं, मगर दोनों व्यक्तियों में सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति एक ही है जो स्कूल गया था, क्योंकि उसने उन शब्दावलियों से जोड़ा अपने आप को। पढ़े लिखे व्यक्ति होने का मतलब बेसिकली ये है कि आपने अपने बिहेवियर को, आपने अपने शारीरिक क्षमताओं को किसी पढ़ी लिखी या शब्दावलियों से जोड़ रखा है।
और एक अनपढ़ परंतु समझदार व्यक्ति उसको कहते हैं जिसने पढ़ाई लिखाई से अपने आप को नहीं जोड़ा, शब्दावलियों से अपने आप को नहीं जोड़ा, परंतु उसको काम की समझ है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति आसानी से समझ विकसित कर लेता है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आसानी से समझ विकसित कर लेता है, परंतु एक अनपढ़ व्यक्ति को उतनी ही समझ विकसित करने के लिए एक लंबा समय लग जाता है। पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आप अपनी समझ कितने जल्दी विकसित कर लेते हो। अगर आप पैदा होते से ही अपनी समझ विकसित करना सीख गए हो, किसी भी चीज को विद इन अ सेकेंड समझ लोगे, सॉल्व कर दोगे, तो आपको पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने अपनी क्षमताओं को विकसित कर लिया। विद इन अ सेकेंड किसी भी चीज को समझ जाते हो, कर लेते हो, पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, वो तो वैसे भी समझ आ ही रही है आपको, डेफिनेशन है, शब्दावली है। परंतु ऐसी बात जिसकी डेफिनेशन देना है उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि पर्टिकुलर किसी कार्य के लिए किस टाइप की शब्दावलियों को इस्तेमाल किया जाता है, इस बात के लिए आपको पढ़ाई करने ही जाना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम समझदार हैं और हम जो कहेंगे वही हो जाएगा, वो बकवास बात है। अगर आप किसी चीज की डेफिनेशन दे रहे हो, किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो, तो आपको पर्टिकुलर उस चीज के बारे में शब्दावलियां पता होनी चाहिए। उसको कहते हैं पढ़ाई लिखाई, पढ़ा लिखा व्यक्तित्व, पढ़ा लिखा व्यक्ति। और एक व्यक्ति जो शब्दावलियां इस्तेमाल नहीं कर रहा है, किसी भी चीज को कुछ भी कह दे रहा है, उसको कहेंगे हाँ सिर्फ समझदार है, इसको समझ है, बाकी पढ़ाई लिखाई संबंधित मतलब तत्व ज्ञान नहीं है, उसको पर्टिकुलर उस चीज का शब्दावली नहीं मालूम। तो एक अनपढ़ व्यक्ति बहुत धीमे तरीके से समझ विकसित करता है, उसी के बुनियादी तौर पे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत तीव्रता से अपनी समझ विकसित कर लेता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का बेसिक फंडा, बेसिक मतलब ये होता है कि हमने दुनिया में जितनी भी टाइप की समझ देख रखी है, वो समझ हमने किसी किताब में, किसी कॉपी में पहले से ही अपने अनुभवों के आधार पर शब्दावलियों में लिख ली है, जिसके माध्यम से हम समझ जाते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। इसको कहते हैं पढ़ा लिखा व्यक्तित्व होना, और इसको कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हमने जल्दी से जल्दी समझ विकसित कर ली किसी जटिल से जटिल कार्यों पर। परंतु एक अनपढ़ व्यक्ति समझदार तो है परंतु पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए उसकी वो जो समझ विकसित हुई है उसमें उसको लंबा समय लगा है। वो सभी कार्य जो हम पढ़ाई लिखाई के माध्यम से समझ लेते हैं उसमें जितना टाइम लगता है, उसकी तुलना में एक अनपढ़ व्यक्ति को बिना पढ़ाई लिखाई करने की वजह से वही कार्य सीखने में लंबा समय लग जाता है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई करना आवश्यक है, क्योंकि चीजों की जानकारी हमें सटीक रूप से, तथ्यात्मक रूप से, उसी प्रारूप में, उसी प्रकृति के आधार पर जल्दी मालूम चल जाती हैं, बजाय कि बिना पढ़ाई लिखाई किए उन चीजों को समझें। हालांकि समझ में तब भी वो आ जाएंगी वो, मगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को 1 साल लगेगा समझने के लिए, वही एक अनपढ़ व्यक्ति को 10 साल लग जाएंगे समझने के लिए। बस इतना सा डिफरेंस है पढ़ाई लिखाई और पढ़ा लिखा व्यक्तित्व होने में, अदरवाइज और ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं।